कौन होगा तख्त लाहौर का सुल्तान? सरदार उस्मान बुजदार वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार। उस्मान बुजदार पीपी 286 तौंसा शरीफ से रुकन असेंबली मुंतखब हुए। पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। उस्मान बुजदार काफ लीग और नून लीग का हिस्सा भी रहे। मुशर्रफ दौर में तहसील नाजिम थे। इंतजाम की घड़ियां खत्म होने के करीब कप्तान आज पंजाब के सुल्तान को मैदान में उतारेंगे। कौमी असेंबली के इजलास में उम्मीदवार के नाम का ऐलान मतवाके। कप्तान ने निशानियां बता दी। नून लीग की जानिब से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे। प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के ओ मेरा यार दिलदार इमरान खान जी। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू लाहौर पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर इस्तकबाल। नवजोत सिंह कल नामजद वजीर आजम इमरान खान की तकरीब हलफरदारी में शिरकत करेंगे। मेरा दिल कहता है पाकिस्तान जीवे, प्यार अम ते खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार इमरान जीवे। नवजोत सिंह का शायराना अंदाज। अपने दोस्त की दावत पर आया हूं, पाकिस्तानी जमहूरियत में आने वाली तब्दीली अच्छी है। मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के सुल्तान का इंतखाब। पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन ऊपर नीचे। पीटीआई 175 अराकीन के साथ आगे। नून लीग का स्कोर 162। नून लीग के 3 और 1 आजाद रुकन चौधरी निसार ने ताहाल हल्फ ना उठाया। वजीर आला पंजाब के लिए कल शाम 5 बजे तक पंजाब असेंबली में कागजात जमा कराए जा सकेंगे। एतवार के रोज असेंबली कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। ज़मने इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। इलेक्शन कमीशन नादरा की मामलत से फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए। इंतखाबी नतायज को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस कौन होगा सदर पाकिस्तान? रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस में कैंप कायम। सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 27 अगस्त तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। हसन अस्करी ने परवेज इलाही को स्पीकर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। शहबाज शरीफ हाजिर हो। पंजाब पावर डेवलपमेंट केस में नैब ने शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया। 95 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बिजनेस टाइकून मिया मंशा आज नैब में तलब। आग लगने का एक और वाकया। अहम सरकारी रिकॉर्ड जल गया। माल रोड जीपीओ चौक में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इमारत में आतिश जदगी। छठे फ्लोर पर मौजूद सोसाइटीज का तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कमिश्नर का आतिश जदगी के वाकये का नोटिस। वजूहात जानने के लिए फोरेंसिक टीम को भी तलब कर लिया। हो गया रावी रोड में बेटे ने बाप और सौतेली माँ को कत्ल कर दिया। मुलजिम अली को बाप की तीसरी शादी पर रंज था। साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस मुलजिम का एक साथी वकास गिरफ्तार। मिशन ब्यूटीफुल लाहौर। लॉर्ड मेयर की जेर सदारत माल रोड की तारीखी इमारतों से मुतालिक अहम इजलास। सबसे पहले गुलाम रसूल बिल्डिंग की तजईन व आराइश करने का फैसला। दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। तालिबात को सफाई का दर्श देने वाले प्रिंसिपल ने स्कूल में कुर्बानी का जानवर बांध दिया। बछड़े की मौजूदगी में गर्ल्स हाई स्कूल न्यू अनारकली में गंदगी ताफुन उठने लगा। गली मोहल्ला हो या मंडी, हर तरफ कुर्बानी के जानवरों की भरमार। ईद कुर्बा में रह गए सिर्फ 5 रोज। मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम। ग्राहकों का रेट कम करने पर इसरार।
जौहर टाउन में घर फरोख्त किया, बासर अफराद पूरे पैसे नहीं दे रहे, मुझ पर झूठे मुकदमा भी दर्ज करा दिए। गुलकारा सायरा नसीम की दुहाई, इंसाफ फरहम किया जाए। गुलकारा की चीफ जस्टिस ताकिब निसार को दरखास्त। मुल्क को बदनाम करने वालों को बड़ी सजा, स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर नासिर जमशेद पर 10 साल की पाबंदी आए। 10 साल किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, पूरी जिंदगी क्रिकेट में कोई ओहदा मिलेगा और ना कोचिंग कर सकेंगे। पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, नासिर जमशेद मरकजी मुलजिम है, फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं वकील तफजल रिजवी। आजादी की मुनासबत से एक्सपो सेंटर में दिफाई आलात की नुमाइश का दूसरा रोज, 100 से ज्यादा स्टॉल्स कायम, लोगों की गहरी दिलचस्पी।